शाहिद हजवाने यांना विनंती आहे की आपण विकास दामले चला या विकास दामले अब्रार उल्डे आपण सुद्धा या अब्रार उल्डे और कोई और कोई है माइका लाल चलिए चलिए दोस्तों हम मैदान में चलते हैं जहां पे हरवीत टीम ने टॉस जीते के बाद सबसे पहले फील्डिंग करने का यहां पे फैसला किया है और बल्लेबाजी के लिए दावत दी है अलीबाग टीम के लिए अजीम मुकादम मुइज मुकादम यांच्यातर्फे लागोपाठ 3 षटकार मारणाऱ्या फलंदाजाला 500 रुपयांचं पारितोषिक मुझफ्फर भाई धनसे उर्फ ठाकरे यांच्यातर्फे बंद लिफाफा प्रत्येक षटकारास 3 मित्रांनो यूट्यूब वरती थेट प्रक्षेपण चालू आहे आता मध्ये मध्ये डिस्टर्ब करणं थांबवाल अशी अपेक्षा करतोय आणि पुन्हा एकदा कॉन्सन्ट्रेट करूया चलिए मैच बहुत ही रोमांचित करने वाला होगा बहुत जबरदस्त होगा मैच ये क्योंकि दोनों भी टीमें अपने अपने इलाकों में बहुत ही जानी मानी टीमें हैं मलिक परकार ते बोलो तर कोण ते तुम्हाला नाही नाही बोलो जावेद ओ जावेद भाई माणूस आला नाही जावेद भाई विकास भाई आलो एजे स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है पंकज जाधव गेंदबाज मलिक परकार ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था और यहां पे खराब फील्डिंग देखने को मिली कोई जरूरत नहीं थी यहां पे थ्रो करने की पंकज जाधव ना ही रन लेने के इरादे से दिखाई दे रहे थे पंकज जाधव ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को लेट कट करने की कोशिश कर रहे थे गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया था और ये पहला रन स्कोर कार्ड पर लगता हुआ पंकज जाधव ने अपना खाता खोला मलिक परकार फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट रोहित पाटिल के लिए जड़ में डाल दिया था बहुत ही बढ़िया गेंद थी और मिड ऑन की दिशा में फील्डर थोड़ा सा फंबल जरूर हुए मगर रोहित यहां पर रन लेने की कोशिश नहीं की रोहित ने बहुत ही अच्छी शुरुआत मलिक परकार द्वारा ये कमाल का खिलाड़ी है ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करने के लिए जाना जाता है गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो क्षेत्र रक्षण हो बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी इसमें दबा फिर से एक बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद मगर अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर भटके थे मलिक एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 2 रन स्कोर कार्ड पर हमारे गुण संख्या लेखक दाऊद हजवा ने बहुत ही अच्छी तरीके से गुण लेखन का काम अंजाम दे रहे हैं अगली गेंद फिर से एक बार मलिक की आहा ऑफ कटर गेंद फिर से एक बार ललचाया था ऑफ स्टंप के बाहर लालच बहुत ही बुरी बला है लालच में फंस गए थे यह अच्छा हुआ कि गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई वरना सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई होती रोहित पाटिल एक शानदार खिलाड़ी है इसमें कोई शक नहीं कोई दोराय नहीं मगर पहली मर्तबा तोराड़ी के इस मैदान पर खेल रहे हैं तो विकेट को परखना होगा वक्त यहाँ पे बिताना होगा ओहो ये देखिए मलिक परकार का जादू यहाँ पे चलता हुआ मलिक परकार 30 गज के दायरे में इस तरह की गेंदबाजी करते हुए और वो भी रोहित पाटिल के सामने क्योंकि काशिद
टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से इस बल्लेबाज को नवाजा गया था। ये कमाल का बल्लेबाज है, धमाल मचा सकता है, मगर मलिक ने उनको रोक दिया है। और यहां पे स्लीप में कैच टपकने का मौका था, बहुत ही अच्छी यहां पे फील्डिंग तो दिखाई दी मगर कैच उनके हाथों से छिटक गई। एक जीवन दान मिला है रोहित पाटिल जैसे बल्लेबाज को। अब ये जीवन दान कितना महंगा साबित होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर मैं ये बताता चलूं कि रोहित पाटिल बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है। 5 गेंदें हो चुकी है, 1 गेंद अभी भी शेष, मगर रनों की संख्या को सुखा दिया है। मात्र 2 रन स्कोर कार्ड पर, स्ट्राइकिंग इन पर। आहा, फिर से एक बार मलिक परकार, मलिक मलिक और मलिक, मात्र मलिक ही नजर आ रहे हैं इस ओवर के लिए। जनाब इकबाल कौचाली इनकी जानिब से 100 रुपए का इनाम मलिक परकार के लिए। जनाब इकबाल कौचाली बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि उनकी टीम यहां पे खेल रही है और अपने चहीते खिलाड़ियों का आत्मविश्वास मनोबल यहां पे बढ़ाने की कोशिश। एटीएम लेकर आए हैं, अच्छा खेलते और पैसा ले। जी हाँ, अब यहां पे हरवीत टीम पूरी तरीके से पहले ओवर में हावी होती हुई 3 रन स्कोर कार्ड पर। और ये अगर मैच जीतते हैं हरवी टीम तो 5,000 रुपए का इनाम जनाब इकबाल कौचाली के लिए। तालिया, वाह वाह वाह, 5,000 रुपए मात्र एक मैच के लिए, इस मैच को जीतना है। 4 ओवर का मुकाबला, मलिक ने अपना काम तमाम किया है, अपने काम को काफी खूबसूरती के साथ अंजाम दिया है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। नौफील, क्या यहां पे पहले ओवर की तरफ फील करेंगे नौफील? पहले ओवर में बहुत ही अच्छा फील हमारे मलिक परकार ने यहां पे किया था। अगली गेंद नौफील की, राइट आर्म ओवर द विकेट। आहा, बहुत दूर से खेला था और फिर भी ताकत से लबालब भरा हुआ ये स्ट्रोक, मलिक परकार के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। इस बल्लेबाज को जीवन दान देना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। ये बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, शातिर खिलाड़ी है, ये मैच को बनाना जानता है, मैच को जीतना जानता है, अंतिम क्षणों तक खेलेगा। ये घंटी खतरे की बजती हुई, इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 9 रन। पंकज यादव का बल्ला अब यहां पे शांत हो दिखाई देता हुआ क्योंकि मात्र 2 रन पंकज यादव के बल्ले से आए हैं, मगर रोहित पहली 3 गेंदे बिंदी खेलने के बाद अब छक्के से यहां पे होश उड़ा दिए हैं गेंदबाज के। गेंदबाज नौफील फिर से एक बार स्वैग से स्वागत किया है, ये लीजिए फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक, मगर इस पर दबा क्या हुआ? आहा, तकदीर वाले रहे, आज ऊपर वाले का हाथ है रोहित पाटिल के ऊपर, क्योंकि जो एक वायर हम देख सकते हैं मैदान के अंदर है, उस वायर को टच हुआ गेंद हुई और इसी वजह से जीवन दान। जी हाँ, वायर को अगर टच होकर भी कैच पकड़ते हैं तो आउट करार दिया जाएगा, मगर ये वायर अगर बीच में नहीं आती तो ये कैच हो सकता था। रोहित पाटिल को मिलता हुआ ये दूसरा जीवन दान। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 10 रन स्कोर कार्ड पर बिना कोई विकेट खोए। दूसरा ओवर प्रगति पर, 4 ओवर का ये मुकाबला। फिर से एक बार नौफील, राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस गेंद, उसे मात्र दिशा भर दी मगर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार थ्रो। 1 रन के अलावा यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा, एक एक रन बनाकर यहां पे काम नहीं बनेगा क्योंकि मात्र 4 ओवर का यह मुकाबला है। 4 ओवर में कम से कम 50 का आंकड़ा स्कोर कार्ड पर लगाना होगा। रोहित पाटिल को जो 2 जीवन दान मिले, अब रोहित पाटिल यहां पे तहलका मचा सकते हैं।
ये लीजिए फिर से एक बार जोरदार हिट, मगर इस मरतबा गेंद हवा में आसमान में, सलीम दौला के हाथों से भी ये गेंद छिटक गई है, कैच ड्रॉप होता हुआ। कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच। आज रोहित पाटिल खास किसी का आशीर्वाद लेके आए हैं, किसी का चेहरा देके आए हैं। हाँ जी हाँ, सुबह में उठकर नसीब की गोली खाई है। 12 रन स्कोर कार्ड पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, तकरीबन दो मरतबा इस ओवर में रोहित पाटिल को आउट करने के मौके क्रिएट किए थे। नौफील की भी तारीफ बनती है। जी हाँ, ये लीजिए ओवर पिच गेंद और यहाँ पे ओहो कमाल की फील्डिंग, मगर ये अब क्या हुआ, कितने रन मिलेंगे ये तो अंपायर जी ही बता सकते हैं, मगर एफर्ट के लिए 100% मार्क्स। जी हाँ, अब यहाँ पे अंपायर जी ही बता सकते हैं दोस्तों, बाहर से किसी ने भी बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। 6 रन का इशारा, 6 रन मिलेंगे पंकज यादव को, मगर क्या एफर्ट था, लाजवाब कोशिश थी। जी हाँ, हमारे तीसरे अंपायर ने यहाँ पे चेक किया है और इस ओवर में लगता हुआ ये दूसरा छक्का, रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 18 पर, 18 फॉर नो लॉस। पहले विकेट के लिए साइदारी यहां पे पनप रही है। पंकज यादव के बल्ले से एक छक्का, कुल मिला के 8 रन बनाकर पंकज यादव स्ट्राइकिंग एंड पर खेल रहे हैं, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर 7 गेंदों का सामना किया है रोहित पाटिल ने और अपने टीम के लिए अब तक 9 रन जोड़े हैं रोहित पाटिल ने। यह अंतिम एक गेंद नौफील की भी तारीफ जरूर मैं करना चाहूंगा, क्योंकि दोनों भी बड़े खिलाड़ियों के सामने वो गेंदबाजी कर रहे हैं और बेझिझक बेधड़क यहां पे गेंदबाजी नौफील। फिर से एक बार बिलाल शेठ, इनकी जानिब से एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज हम के लिए। हालांकि नकद इनामों की राशि भी आई है, मगर इनामों से ज़्यादा जिन्होंने वर्ल्ड का इस्तेमाल किया है, जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है, जिस अल्फाज से हमें अप्रिशिएट किया है, मैं बिलाल जिटाम शेठ का बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वो कह रहे हैं कि मैं गांव से बहुत दूर हूँ, मगर बिल्कुल मुझे नहीं महसूस हो रहा है कि मैं गांव से दूर हूँ, क्योंकि मेरे सुंदर गांव से अब हमें एक एक खबर पहुँचा रहे हैं, मानो मैं वहीं पर बैठा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल जी, और बिलाल जी की जानिब से हम दोनों कमेंटेटर के लिए तकरीबन 600 रुपये का अतिया आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। चलिए दोस्तों, अब्दुल्ला हजवा ने, सम्माननीय अब्दुल्ला हजवा ने उर्फ बाबा महाड इथून बिलोंग करणारे, त्यांचं इथे हार्दिक स्वागत असेल। चला बाबा, आपण व्यासपीठावर येऊन आसन सोवायचं आहे। चलिए दोस्तों, नए गेंदबाज आए हैं। जी हाँ, देखिए फिर से एक बार यहां पे बड़ा स्ट्रोक, पंकज यादव ऑन द फायर, बड़े खेल का बड़ा खिलाड़ी पंकज यादव।
गेंद पर आसमान दिखाया है साहिल को। फिर से एक बार हवा में गेंद खेलने की गलती की है साहिल उस गेंद के नीचे। ओहो बहुत ही बढ़िया कैच साहिल, साहिल के लिए तालियां बजनी चाहिए। नया नवेला खिलाड़ी है मगर विकेट किसका उसके पास है, पंकज यादव का, हमेशा के लिए यादगार रहेगा। डीजे से इस विकेट के लिए साहिल को 100 रुपए का इनाम, नकद 100 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। बहुत ही बड़ा विकेट पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर एक बड़ा खिलाड़ी जाना जाता है, नाम है पंकज यादव और उसका विकेट एक नए नवेले खिलाड़ी साहिल ने अपने नाम किया है। हालांकि पहली गेंद पर छक्के छुड़ाए थे वैभव कांबळे, नए बल्लेबाज वैभव कांबळे स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए पंकज यादव की जगह, मगर साहिल की तारीफ बनती है, साहिल ने कमाल कर दिया है। क्योंकि हम यहां पे बात कर रहे थे, आसपास यहां पे कमेंट्स पास हो रहे थे कि नए खिलाड़ी है उनके सामने उनको उतारा है, क्या ये सही होगा, मगर साहिल ने अपने आप को सही साबित किया है। वेरी वेल डन साहिल, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद मनोवैज्ञानिक दबाव में घिरते हैं गेंदबाज, मगर यहां पे साहिल पूरी तरीके से सर चढ़कर बोल रहे हैं। वैभव कांबळे भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, एक दो साल में इस खिलाड़ी ने काफी प्रभावित किया है, गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो। स्ट्राइकिंग एंड पर साहिल का सामना करेंगे, पहली गेंद पर उड़ाया, यंगस्टर खिलाड़ी युवा खिलाड़ी, आओ देखा ना ताओ, सामने पड़ी हुई गेंद को खेल रन। साहिल के पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद के ऊपर पंकज यादव का विकेट, फिर से एक बार तीसरी गेंद के ऊपर वैभव कांबळे ने पहली गेंद पर छक्के से स्वागत किया है साहिल का। इस ओवर की 3 गेंदें अभी भी शेष, रनों की संख्या मैं बताना चाहूंगा 31 रन, पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए थे गेंदबाज मलिक परकार ने, दूसरे ओवर में नौफिल ने 16 रन खर्च किए, थोड़े से महंगे साबित हुए, मगर इस ओवर में साहिल ने अब तक 12 रन खर्च किए हैं, मगर एक मौल्यवान विकेट भी चटकाया है, यानी मिला जुला ओवर, मगर अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। अगर इन 3 गेंदों में रनों को सुखा देते हैं तो यह साहिल का ओवर में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहूंगा, क्योंकि उनके नाम पंकज यादव का विकेट है, मगर अभी भी 3 गेंदें शेष, इन 3 गेंदों में कितने रन बन पाते हैं इसके ऊपर हम जरूर यहां पे फैसला कर सकते हैं। सलीम दौनक अपने साथी खिलाड़ियों को कुछ समझाते हुए, सलाह और मशवरा यहां पे जारी है और ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्रूशल मैच है दोनों भी टीमों के लिए, दोनों भी टीमें अपने अपने तहसील में बहुत ही उच्च स्तरीय टीमों में सूची में गिनी जाती है। और हमारे जनाब की ये टीम हम देख सकते हैं और उसी के साथ बल्लेबाजी करने वाली टीम जावेद अर्थात AJ, अफजल और जावेद। फिर से एक बार उड़ाया है मगर इस बार हवा में गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में, कैच टपकने का मौका हो सकता था मगर आउटफील्ड खराब होने के कारण उस कैच तक पहुंचने में थोड़ी सी कठिनाई और दूरी यहां पे तय नहीं कर पाए और इसी वजह से 2 रन बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए हैं। बिलाल जिटाम सेठ बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें दुबई से लाइव देख रहे हैं, सऊदी से लाइव देख रहे हैं,
बिलाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराई से। मगर ये लीजिए फिर से एक बार उड़ाया है वैभव कामले ने उस गेंद को, हवाई सफर करवाई है 6 रन। Thirty-nine runs on the scorecard. 5 गेंदें हो चुकी है। इनायत भाई जो अंपायरिंग की जिम्मेदारी को अंजाम दे रहे हैं, वन मैन आर्मी। ओहो ये देखिए फिर से एक बार वैभव ने आओ देखा ना ताओ खेला है उसे मिड विकेट के ऊपर से और एक लंबा हिट 6 रन। पैतालीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 15 रन के औसत से यहां पे रन बन रहे हैं। इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो तकरीबन 60 रन स्कोर कार्ड पर नजर आएंगे। इस बीच अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं, स्पॉन्सर जनाब इकबाल कौचाली, इनकी ये टीम गेंदबाजी करती हुई दिखाई दे रही है हरवी टीम। और अगर ये मैच जीती है हरवी तो 5,000 रुपये की इनामी राशि जनाब इकबाल कौचाली की जानिब से देकर आपको नवाजा जाएगा। अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज शहबाज, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है रोहित पाटिल। ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद, जोरदार अपील पगबदा के लिए, मगर अंपायर जी के ऊपर उसका कोई असर नहीं है, इस अपील को नकारा है। एक रन लेग बाय के रूप में अतिरिक्त यहां पे मिलेगा 46।
अंतिम ओवर के लिए शहबाज आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, आहा शहबाज ने कमबैक किया है। शहबाज काबिले तारीफ गेंदबाजी करते हुए, पहली दो गेंदों में मात्र एक रन। जिस वैभव कामले के बल्ले से हमें तीन करारे छक्के देखने को मिले मात्र चार गेंदों में, उसी बल्लेबाज वैभव को यहां पे चकमा दिया है। वैभव तीन छक्कों की सहायता से 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। यहां इसमें तब उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया था, गेंद वहीं पे लुढ़क रही है। एक रन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा और जनाब इकबाल कौचाली बहुत ही खुश, तालियों की गड़गड़ाहट उनके जरिए से। आज जनाब यहां पे हम सबको चाय नाश्ते का भी बंदोबस्त करने वाले हैं, अगर हरवीत जीतती है तो। अगर हरवी टीम फाइनल मारते हैं तो पूरे गांव को खाना खिलाएंगे जनाब इकबाल कौचाली। ओहो वेरी वेल डन बॉयज, शानदार कोशिश एफर्ट के लिए, जो आपका जुनून है, जो आपका जज्बा है, उसके लिए सलाम बनता है। वाह मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह का एफर्ट टेनिस क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है। इस खिलाड़ी ने अपने आप को झोंक दिया था अपने शरीर की बिना परवाह किए। वाह ये जज्बा होना चाहिए हर खिलाड़ी में, फिर आपको जीतने से कहीं नहीं रोक सकता। हाँ एक मैच दो मैच इधर उधर हो सकता है, मगर आप इस तरह से अगर जुनूनी खिलाड़ी है तो मजा आएगा। आहा फिर से एक बार परफेक्ट यॉर्कर, शहबाज ने फिर से एक बार यहाँ पे रनों को सुखा दिया है। सलीम दौलत वहां पे मौजूद, अच्छा थ्रो, मगर फिर से एक बार देखिए रन चुरा लिया, कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि दूसरा रन तो यहाँ पे होने ही वाला था, तीसरा रन भी चुरा लिया है। इस ओवर में रन नहीं बन रहे थे, पहले चार गेंदों में मात्र चार रन खर्च किए थे, मगर इस गेंद के ऊपर तीन रन जुटा कर रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 51 पर, 51 फॉलोस अप वन विकेट, एकमात्र विकेट खोया है पंकज जाधव का। उसके बाद इन दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने टीम को संभाला दिया है, रोहित पाटिल और वैभव कांबड़े। स्पेशली वैभव कांबड़े की तारीफ बनती है, क्योंकि वैभव कांबड़े ने तीन छक्कों के सहायता से 21 रन अब तक जोड़े हैं, मात्र छह गेंदों का सामना किया है, और रोहित ने एक छक्के के सहायता से 15 रन अपने टीम के लिए अब तक जोड़े हैं। अभी भी एक गेंद अंतिम इस ओवर की आना बाकी है, मगर शहबाज ने भी कमाल कर दिया है, क्या कमबैक किया है शहबाज ने। फिर से एक बार ओवर पिच गेंद, उसे हेलीकॉप्टर बनाकर खेला है, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद, तीर की तरह सीधा ये छक्का। ये लगता हुआ वैभव कांबड़े के बल्ले से चौथा छक्का, और ये छक्के के साथ जो मोमेंटम पैदा किया है बल्लेबाज वैभव कांबड़े ने, इसकी भी चर्चा यहां पे होगी, क्योंकि अंतिम गेंद के ऊपर जब भी छक्का आता है तो बल्लेबाजी करने वाली टीम का मनोबल यहां पे बहुत ही हाई नजर आता है। 58 टू विन।
और बिलाल सेठ यांचा जो मैसेज आहे तो मैन फ्रॉम सऊदी बिलाल सेठ आपण पाहतोय त्यांचा मैसेज टू बोथ प्रोफेशनल कमेंटेटर्स टुडे आई एम वेरी टुडे आई एम अवे फ्रॉम टुडे आई एम अवे फ्रॉम माय ब्यूटीफुल विलेज एंड आई कैनॉट सी एंड एन्जॉय टू तोराडी प्रीमियर लीग 2023 फिजिकली हाउ एवर द वे यू आर प्रेजेंटिंग माय लवली विलेज एंड कन्वर्टिंग बॉल टू बॉल कवरेज इज सिंपली अमेजिंग टुडे आई डोंट फील दैट आई एम अवे फ्रॉम यू ऑल बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू और उसी के साथ साथ YouTube के लिए बहुत ही अच्छा कवरेज उन्होंने किया है इसके लिए 300 रुपए का इनाम बिलाल शेट मैन फ्रॉम सऊदी अरेबिया और हाँ सुशील का बर्थडे है आज शाम को सभी को पार्टी है सुशील पाटिल की जानिब से तीन सौ रुपए की पार्टी सुशील चला विनंती असेल अलिबाग संघाला आपण त्वरित क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे कारण आपल्याकडे तर तोराडी प्रीमियर लीग आपण अनुभवते अर्थात निसर्गाचं वरदान असलेलं हे गाव नैसर्गिक भौगोलिक रचना जर आपण पाहिली तर एका बाजूला सावित्री नदी आणि समुद्र एकमेकाला मिळत आहेत आणि बाकी सगळ्या दिशेला प्रचंड उंच डोंगर डोंगर माथ्यावर अर्थात आंबा नारळाची फुफळीची झाडं आपण पाहते काश्मीरसारखं सौंदर्य आपल्याला तोराडीमध्ये सुद्धा अनुभवायला मिळते अर्थात आपल्या व्यस्त जीवनातून शांत दावे असेल मनशांतीसाठी नक्कीच तुम्ही एकदा तोराडीला भेट द्यायला हरकत नाही अर्थात व्यस्ततेतून धगधगत्या जीवनातून प्रदूषणमुक्त जर दिवस घालवायचे असतील तर एक दिवशी नक्की निवांत तोराडीसाठी या साई श्रद्धा मित्रमंडळ श्रीवर्धन आयोजित सुद्धा SPL आपल्याला लवकरच आपल्या भेटीसाठी येते रणर आउटच्या मैदानामध्ये 2 मेला ती स्पर्धा सुरू होईल अर्थात अलिबाग मुरुड रोहा मसला माणगाव श्रीवर्धन या तालुक्यातील खेळाडू रजिस्ट्रेशन होतील लिंक आपल्याला मिळेल एक प्रीमियर लीग आम्ही घेऊन येतोय जय गणेश स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून वळूया या मॅचकडे पार्थ पहिला चेंडू सलीम साठी फेकलाय चेंडू सी मारे शापार षटकार मुईज मुकादम यांच्याकडून मगच क्षेत्ररक्षण करताना हरवीचा जो क्षेत्ररक्षक होता त्यांनी चांगला एफर्ट केला त्याला मुईज मुकादम यांच्याकडून 100 रुपये विशेष पुरस्कार सलीम तबनाक ब्रँड आहे हरवीचा आज इकबाल कौचाली जनाब यांच्यासाठी खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतील मध्ये जेव्हा ब्रेक मिळाला अर्थात अजान सुरू झाली तशी जनाब यांनी धाव घेतली होती सलीमकडे बॉन्ड लाईनला आणि पुन्हा चर्चा मजलत केली रणनीती आखली फौजान ज्यांनी जबरदस्त एफर्ट केला होता पार्थवर हल्ला चढवला इथे सलीमने हा जबरदस्त स्ट्रोक पण यावेळेस मात्र नाराज आहेत स्वतःवर सलीम एकच धाव इथे मिळेल साईक दल शहबाज
अनबरीकडे. एक धावाने धावसंख्या पोहोचली 7, 59 धावांचं लक्ष असेल. इकबाल जनाब 11 हरवीत आपण पाहतोय, अर्थात जनाब इकबाल कौचाली सरांचा संघ आपण मैदानात पाहतोय. तर पाठ करत अलिबागचा स्टार गोलंदाज पण यावेळेस मात्र जबरदस्त फलंदाजी करतोय सलीम. यावेळेस परफेक्ट यॉर्कर पाहायला मिळाला, इथे धाव घ्यायची गरज नव्हती सलीमला. नो बॉलचा इशारा आहे मुख्य पंचांचा, अर्थात फ्रंट फूट नो बॉल आहे किंवा साईड लाईन काहीतरी आहे तिथे सांगताना पंच दाखवत आहेत. मोईज मुकादम यांच्याकडून खुशखबर आहे, सलीम दवनाकला लगातारचे 3 षटकार ठोकले, 1000 रुपयाचा विशेष पुरस्कार इथे दिला जाईल सलीमला. जनाब इकबाल कौचाली यांच्याकडून सुद्धा पारितोषिक येईल, फार त्याला विश्वास बसत नाही या नो बॉल का दिलाय पंचानी. तर इथे धावा मिळतात 7 झाल्या होत्या, हे नो बॉल 1 रन येईल. मोईज मुकादम सुद्धा आमच्यासोबत जुळले दुबईवरून, खास ही स्पर्धा पाहतात त्यांचे सुद्धा खूप खूप आभार. पार्थ घरत हा लोरफुलटा सेब अनवरीचा धमाका, इथे पण काय झेल पकडण्याचा प्रयत्न केलाय वैभव कांबळेने. अफलातून एफर्ट इथं पाहायला मिळतील, त्याला माहिती होतं की तो बाहेर जाईल चेंडू घेऊन, तेव्हा त्याने तो चेंडू आत टाकला. इथं चेक केलं जाईल की हा सेव्ह केलाय, कॉन्फिडन्स आहे वैभवकडे. जनाव्यांना आता मात्र टेन्शन आहे, दिल जोरोसे धडकत आहे धडधड धडधड. पाहतायत सर, क्लिअर नाही झालं इथे, पाहतायत अजून. सर वैभवला तर फुल कॉन्फिडन्स आहे, त्याला इथे पूर्ण विश्वास आहे, विश्वास नसून खात्री आहे की मी चेंडू सीमारेषेच्या खूप आत होतो, सेफ केला. यस, डिसिजन येते फायनल. 2 धावा इथे धावून घेतल्या शेहबाजनी, 2 धावांनी धावत संख्या पोहोचते 10. हरवीत संघ हा जर सामना जिंकला तर जनाब इकबाल कौचाले यांच्याकडून संघासाठी 5000 रुपयाचा विशेष पुरस्कार असेल. हा मॅच हरवीतनी जिंकला तर, आणि यदा कदाचित जर आजचा दिवस काढून उद्या फायनलपर्यंत संघ गेला आणि फायनल जिंकली तर तोराडीला फेस्टिवल जेवण असेल जनाब इकबाल कौचाले अख्ख्या गावासाठी. कॉमेंटेटर पण काय इन्क्लूड? कॉमेंटेटर पण काय इन्क्लूड? हो, कॉमेंटेटर टेक्निशियन सुशील वाडील तुम्हाला पण खुश खबर आहे. बर्थडेची पार्टी मला वाटते जनाबकडून. चला पण क्रिकेट आहे, अनिश्चिततेचा खेळ, शक्यता सगळ्यात शक्य धराव्या लागतात, पण अविश्वसनीय अनाकलनीय दाखवण्याचं काम मात्र प्रत्येक वेळेस क्रिकेट निघडे. पार्थ शेबाज साडी हा पुन्हा एकदा खुलं टाकलेला चेंडू, इथे चोरटी धाव घेतली, पाहिलं विकेट कीपर पंकज जाधव थोडे उशिरा येतील चेंडूवर, हीच संधी घेतली सलीमनी, एक धाव इथं कंप्लीट केली. संघाची धावसंख्या 11, 59 धावांचं मोठं आव्हान आहे 4 षटकामध्ये. पण जनाब मगातपासून चर्चा करत होती की 60 आहेत ना, नॉट बॅड, 60 धावा जर झाल्या तर हरवीत संघ आम्ही चेस करू शकतो, एक धाव तर ऑलरेडी कमी आहे, 59 आहेत. पण पाहूया त्यांचा कॉन्फिडन्स आत्मविश्वास त्यांना या सामन्यात विजय मिळून देईल का. पार्थ करत यावेळेस सलीमसाठी हा बॅटची कडा घेतले पण इथे जेल जातोय, पंकज जाधवला चेंडूनी चकवलंय, एक धाव डिक्लेअर स्ट्राईक सलीमकडेच.
धावा संख्या होते 12। एक चेंडू शिल्लक आहे संघाची पहिल्या षटकातले शेवटच्या चेंडूच्या आधी धावसंख्या आहे 12। चांगले षटक राहिले, पहिल्या चेंडूवर 6 धावा येऊन एक नो बॉल येऊन सुद्धा पार्थ घरतनी या सामन्यात या षटकात तुर्तास तरी जिवंत ठेवले अलिबाग संघाला। तो धावा जास्तीचा खर्ची करत नाही, पण शेवटचा चेंडू आहे, अजूनही खेळ बाकी आहे। हा सलीम दवनाक हरवीचा फटका होता, चेंडू चाललाय वाईडिश लॉंगांच्या वरून षटकार। रोहित पाटील दुसरं षटक घेऊन अलिबागकडून हा फटका बसला। शेबादचा उंची दिली लांबी नाही, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या काली, वा काय झेल टिपलाय। हा पहिला हादरा असेल हरवीसाठी। पहिल्या चेंडूवर इथं यश मिळवून दिले एजे स्टाईल अलिबाग संघाला। विनीत जाधव कापलातून झेल त्याने टिपलाय। नवीन फलंदाज बाबा अर्थात मलिक परकार। आता पूर्ण मॅच जर आपण पाहिला तर मलिक परकारच्या फलंदाजीवर आता अवलंबून आहे, कशा प्रकारची तो फलंदाजी करतोय। युनायटेड महाडची महाड चॅम्पियन्स ट्रॉफी आपण पाहिली, मॅन ऑफ द सिरीजची सायकल या खेळाडूंनी पटकवली होती। अफलातून फलंदाजी गोलंदाजी करत अस्त पहिलू कामगिरी केली होती, बेस्ट बॉलरसुद्धा त्या स्पर्धेचा राहिला होता मलिक परकार। यावेळेस आता बॅटने त्याला बोलावं लागेल रोहित पाटीलच्या विरोधात। हा खोलो टप्प्याचा चेंडू खोदून काढला आहे, बॅकवर्ड पॉईंटला हा चेंडू होता। विनीत जाधव येत्या चेंडूवर चांगलं क्षेत्ररक्षण करतायत। अर्थात क्षेत्ररक्षण खूप महत्त्वाचं आहे, मागच्या मॅचमध्ये रोहानी सामना गमावला, थोडीशी खराब फेकी, खराब बॅकअप, खराब क्षेत्ररक्षण, त्याचा परिणाम एक टाईड मॅच सोमजाई श्रीवर्धनसोबत पराभूत झाला रोहा संघ। अवेज 11। आता स्ट्राईकवर आहे सलीम, संघाची धावसंख्या 19, 59 धावांचं लक्ष आहे।
उजव्या बाहर एस पंचा निर्णय ये वाइड बॉल रोहित पाटिल विश्वास बसत नहीं ऑफ कटर चेंडू है तो संगत पंचान कि चेंडू हाथ वड़ाला है अपन पाले न तो विकेट कीपर पंकज जाधव ने गैदर कसा के डावे हाथ चेंडू गैदर के अर्थात खूब वलन घत पंचा निर्णय असा कि वाइड लाइन से जे गाइडलाइन है तैपासन बाहर गेला है तो हा वाइट घोषित किया मुख्य पंच हिना धाव संख्या एक ने पुढ़े 20 हाँ परफेक्ट यॉर्कर इतने फक्त प्लेस के लिए एक धाव इधर पूर्ण के लिए दुसरी धाव घेना प्रयत्न पार्थ चेंडूर ये लॉन्ग गन वरुण कारण आउटफील्ड खराब है इतने क्षेत्ररक्षण करने सगळ्यात कठिन काम है इतने खूब जेल सुट्टाना पाहायला मिळतात कारण हवा क्षेत्ररक्षकाच्या विरोधात वाहते मैदान जर आपण पाहिलं क्षेत्रफळ जर आपण पाहिलं क्षेत्ररक्षण जर रचना पाहिली तर शेताची जमीन आहे त्यामुळे खूप कठिन काम आहे क्षेत्ररक्षण करणं पण वैभव कांबळेने काही षटकार अडवला होता हाँ यावेळे चेंडू खाली राहिला टप्पा पडल्यानंतर चेंडूनी मात्र उसळी घेतली नाही जितकी अपेक्षित केली होती सलीम देवनाकनी चेंडू बॅटच्या खालून निघून गेला धाव मात्र येत नाही निर्धाव चेंडू गणला जातोय या पहिल्या चार चेंडू रोहित पाटीलजी चांगली गोलंदाजी राहिले पहिल्या चेंडूवर त्यांनी शेहबाज अनवरीला माघारी पाठवलं सलीम आहे अजून हा फटका बसला इथे इथे क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूच्या खाली मात्र जज चुकलंय चेंडू वन बाउंड सी मारे शापार चौकार हा झेल आहे हा कॅच आहे का मॅच आहे पाटील चौकार आहे 22 नंतर 4 चौकार 26 धावा सिद्धांत पाटील याच्याकडून चूक घडली क्षेत्ररक्षणात रोहित पाटील हा पुन्हा एकदा संधी आहे पुन्हा एकदा तो क्षेत्ररक्षक सिद्धांत पाटील याही वेळेत चूक चेंडू धरणीला दान फलंदाज सलीमला मिळेल जीवदान एक धाव फक्त इथे धावून घेतले ह्या एकरी धावाने धाव संख्या 27 हा मॅच आता पहिला एक धाव इथे येईल दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न फेकी खराब त्याची संधी घेतली हा स्लो वर वन बोट फिरवली होती गती परिवर्तन एक धाव डिक्लेअर सलीमला मिळेल एक धाव साईक सलीम कडे राहील
30 धावा झाले टोटल। गोलंदाजासाठी वैभव कांबळे, एकोणतीस धावांची गरज, दहा चेंडू 29। वैभव कांबळे आहे, चांगला लेकटरा पाहायला मिळाला असतो वरवण। पुन्हा एकदा राईट राऊंड देखील, हा ब्लॉक खालचा चेंडू, इथे संधी होती वैभवकडे, चूक घडते वैभवकडून, चेंडू पकडला असता तर स्टंप त्याच्याकडे तीनही दिसत होते, हिट करण्याची संधी होती, सलीम धावबाद झाला असता, पण एक धाव इथे सलीमला मिळते, पण चांगलं घडते, सलीम नॉस चाकला येतोय अलिबागसाठी, तेवढंच चांगलं होईल। मलिक परकार, पण मलिकलाही कमी लेखून चाडणार नाही, मलिक जबरदस्त फलंदाजी करतो। हा स्लो वरवन पिक करण्याचा प्रयत्न होता, ऑफ साईडचा चेंडू होता, ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला, स्लो वरवन लेग कटर होता, जर बॅकफूटला जाऊन तो कव्हरमधून खेळण्याचा प्रयत्न केला असता तरी षटकार आला असता, पण ऑफ साईडच्या चेंडूला ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, एकच धाव इथे मिळेल 32 धावा। आता मात्र सामना लांब जाते वैभव, हा परफेक्टली हॉर्कर इथं पाहायला मिळाला, चांगला स्ट्रोक, क्षेत्ररक्षक इथं चेंडूच्या खाली धडपड सुरू आहे, कारण मैदान हे क्षेत्ररक्षकाचा घाम गाळून घेते, प्रत्येक वेळेस आपण पाहिले इथं क्षेत्ररक्षण करणे सगळ्यात कठीण गोष्ट, दोन धावा इथे मिळतील, पण चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगलं चांगली फेकी, दोन धाव आणि धावसंख्या 34। शेवटचा चेंडू वैभव कांबळे सलीमसाठी, फुलटा चेंडू, फायदा उचलता आला नाही सलीमला, क्षेत्ररक्षक आहे तिथे सिद्धांत पाटील, चांगलं क्षेत्ररक्षण, एकच धाव इथं मिळेल, दुसरी धाव घेतलीच नाही आहे सलीमनी, 35 धावा। पहिल्या षटकात 18 धावा, दुसऱ्या षटकात 9 धावा, आणि वैभव कांबळेच्या या षटकात आपल्याला 8 धावा पाहायला मिळतील। पार्थ घरतनी खराब सुरुवात केली होती, षटकार देऊन नो बॉल सुद्धा टाकला होता, पहिल्या षटकात 18 आल्या होत्या, वाटलं होतं हा सामना अरविंदकडे आहे, 59 धावांचं लक्ष। पस्तीस धावा झाल्यात, 6 चेंडू आणि 24 धावांची गरज आहे, कंपल्सरी चेस आहे स्पर्धेचा नियम, 24 धावांची गरज गोलंदाजसाठी अलिबागकडून, नवीन गोलंदाज वीरू तुषार डावखुरे गोलंदाज तुषार सलीमच्या समोर, हा उजव्या अष्टीच्या खूपच बाहेर वाईड बॉल, धावसंख्या होती 36, या सिंगलने पुढे जाते, तुषार सलीम आता कशा प्रकारची फलंदाजी करतील, 23 धाबा 6 चेंडू, हा खराब स्ट्रोक बॅकफूटला, नॉट आउटचा इशारा पंचांचा येते, दोन धाबा इथं कंप्लीट केल्या जातात, सलीमच्या बॅटला मात्र बॉल कनेक्ट होत नाही, पहिला चेंडूर षटकार आल्यानंतर आपण पाहाल तर त्याच्या बॅटमधून सिंगल डबल धाबा आल्यात, सिद्धांत पाटीलनी झेल सोडला, त्या 4 धावा गेल्या, त्यानंतर पुन्हा एक झेल सुटला, सलीम आज बाद झाला नाही, ही अलिबागच्या पथ्यावर पडले, अर्थात धावा त्याच्या बॅटमधून आला नाही, पण सलीम आहे तर मॅच अजून अरविंदकडे आहे, हे तितकंच महत्त्वाचं आहे, कारण सलीम आपल्यामध्ये ताकद ठेवतो की शेवटच्या 3-4 चेंडूमध्ये पण तो मॅचमध्ये कमबॅक करू शकतो। तुषार एकदा उजव्या अष्टीच्या बाहेर वाईड बॉल, खराब गोलंदाजी तुषारकडून, एक चेंडूवर 4 धावा आल्यात जशाही, 2 वाईड आणि 2 धावा धावून, धावसंख्या 39, आता 5 चेंडू 20 धावांची गरज, मोहम्मद कौचाली कतरवरून यांच्याकडून 3 षटकारासाठी 500 रुपये आले तिथे।
त्यांच्यासाठी. फुलटा चेंडू हा पहिला येतोय षटकार पुन्हा. आणि सलीमचा बॅट मधून दुसरा षटकार. आता मॅच मध्ये पुन्हा प्रवेश करताना हरवीत हरवीतचे सुटलेले झेल. सिद्धांत पाटील कडून घडलेली चूक. लागोपाठ दोन झेल त्याच्याकडून सुटले गेले. सलीम दबनाक धावसंख्या 45. हा हा आणखीन एक फटका सलीम दमनाकच्या बॅट मधून चेंडू सीमारे शपार षटकार. मोहम्मद कौचाले यांच्याकडून 500 रुपये मिळतील सलीमला जर आणखीन एक षटकार टोकला तर. दोन तर टोकलेत लगातारच्या 3 षटकाराला 500 रुपयाचा कॅश प्राईज आहे. कतरवरून 35 धावांवर खेळतात सलीम दवनाक. 14 चेंडू 35 धावा. चांगली फलंदाजी करते सलीम. अलिबाग सारख्या मोठ्या ताकडवान खेळ संघासमोर आपला खेळ दाखवताना सलीम 3 चेंडू 8 धावा. तुषार सलीमसाठी आणखीन एक मोठा फटका. चेंडू चाललाय लांब 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 षटकार. दोन चेंडू दोन धावा लगातार 3 षटकार आले. कौचाले यांच्याकडून 500 रुपये मिळत आहेत सलीम दमनाकला. 2 चेंडू 2 धावा. मी म्हटलं होतं ना कॅच सलीमचा सोडला सिद्धांत पाटीलनी. तो कॅच नाही मॅच होता अलिबागसाठी. कंपल्सरी चेस स्पर्धेचा नियम. 2 चेंडू 2 धावा. क्षेत्ररक्षण थोडंसं जवळ घेतलेलं. तुषार महागडे ठरत आहेत. खराब गोलंदाजी तुषार यांच्याकडून. पंकज जाधव विकेटच्या मागून आता क्षेत्ररक्षण पहिला होताना पाहायला मिळतात. अर्थात पंकज यांच्याकडून सुद्धा झेल सुटला होता पारच्या गोलंदाजीवर सलीमचा. हा हलक्या हाताने खेळलाय. अह फंबल होतंय तिथे. किती धावा इथे येत आहेत. फलंदाज बाद होईल. एक धाव येते. एक चेंडू एक धाव स्कोर लेवल. मॅच मध्ये आता मात्र धगधग 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 वाढले. हृदयाचे टोके आता दोन्ही स्पॉन्सरच्या जातीला हात लावला पाहिजे. अर्थात ब्लड प्रेशर हार्टचा प्रॉब्लेम असेल तर हा मॅच न बघितलेला भरा. नवीन फलंदाज नौफील.
एक बॉल एक चांगला स्ट्रोक किते सलीम च्या बॅट मधून चेंडू सीमारे पार जनाब इकबाल कौचाली खुश। कौचाले यांच्याकडून रोख 5000 रुपये कैश प्राइज हरवीत साठी। मोहम्मद कौचाले यांच्याकडून 500 रुपये कतर वरुण खास तोराडी वाले मोहम्मद कौचाले यांच्याकडून लगातार 3 षटका टोकले सलीम दावणाक 500 रुपये कैश प्राइज। काय मॅच झाला डोळ्याची पारणं भिडली इथे जबरदस्त क्रिकेट पाहायला मिळालं सलीमचा पेशन्स पाहायला मिळाला बॅटला बॉल कनेक्ट होतोना पहिल्या षटकानंतर सिंगल डबल धावा त्यांनी घेतल्या अर्थात संधी दिली अलिबागच्या संघाने सिद्धांत पाटीलकडून चुकीचं क्षेत्ररक्षण वैभव कांबळेने काय षटकार अडवला होता अर्थात वैभव कांबळेने या सामन्यात खऱ्या अर्थाने रंग भरला होता फलंदाजी करताना त्यांनी धावा कुठल्या क्षेत्ररक्षण करताना जबरदस्त क्षेत्ररक्षण गोलंदाजी करताना अफलातून गोलंदाजी केली होती वैभवनी पण या सगळ्यावर पाणी फेरलं ते शेवटचं षटक तुषार